सब्सक्राइब करें प्रॉब्लम सॉल्व चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों लेके आए फ्रेंड्स यहां पर मैं एक ऐसी वीडियो जो कि आपके काफी काम आएगी। जी हां फ्रेंड्स, आज है यहां पे 13 फरवरी और 13 फरवरी 2020। यूट्यूब यहाँ पे बैक टू बैक अपडेट लाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये जो अपडेट आया है, थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा आपने कि अब यहाँ पर जो मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी उसकी पॉलिसी है एक चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, उसको बदल दिया गया है पूरी तरीके से। यानी कि अब यहाँ पर 5 और नए नियम, तो इस तरीके से यहाँ पर 5 और नए नियम, पॉलिसी, सब कुछ यूट्यूब लेकर आ गया है। यानी कि देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि जस्ट जैसे आपने वीडियो डाला और ऑटोमेटिक उस टाइम पे हमें वहाँ पर ऑप्शन मिल जाता था चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। उसके बाद फिर एक नया बदलाव आया कि वहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर और साथ ही साथ 4000 का वॉच टाइम भी काउंट किया गया। जहाँ पर अब क्या होता है कि लोग क्या होते हैं, अदर अदर प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरीके से वो सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे मान चलिए किसी ने क्या किया, कोई भी XYZ वीडियो उठाया और उसको डाल के पब्लिश कर दिया अपने चैनल पे, राइट। कोई भी सॉन्ग एंड XYZ कोई वीडियो, कुछ भी जो पॉपुलर कोई भी वीडियो उठाया उसको डाल दिया अपने चैनल पे। अब क्या वो जैसे उस चैनल से, उस वीडियोस के माध्यम से उस चैनल पे व्यूज आए और व्यूज आने के बाद वहाँ पे वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, उसी के बहाने वहाँ पे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद में क्या होता है, वो चैनल सीधा कन्वर्ट। यानी कि अगर एक दो वीडियोस इस तरीके से वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में आसानी से जो है वो दूसरे वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, जो वो करना चाहते हैं वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर यूट्यूब ने क्या किया, यूट्यूब ने बोला कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो आपने करना है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम तो चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे क्या था कि जैसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती थी तो ईजी बिल्कुल आसान था ये कि कंप्लीट होते ही आपके पास एक दिन, दो दिन या एक हफ्ते या एक महीने के अंदर आपके पास मेल आ जाता कि भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे इसको किया गया बदलाव, यानी यहाँ पे 5 ऐसी नई चीज़ें लेकर आई हैं जिससे कि आप लोगों को हो सकता है कि और यार एफर्ट और मेहनत और भी सारी चीज़ें की करने की ज़रूरत हो। इनमें से पहला, सबसे पहला कि आपका जो चैनल है, आपके चैनल का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि थीम क्या है आपके चैनल का, यानी कि टॉपिक क्या है, आप किस कैटेगरी पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान चलिए कोई ब्लॉगर, अगर कोई ब्लॉगर है और ब्लॉगर वाला बंदा है, अगर वहाँ पे टेक की वीडियोस भी डाल रहा है या XYZ ऐसे बहुत सारी वीडियोस डाल रहा है, मिक्स कंटेंट डाल रहा है, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रहे कि आपका एक थीम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप अभी डाल रहे हैं कि टेक की वीडियो और बाद में डालने लगे, फिर उसके बाद में फूड रेसिपी एंड फूड एंड XYZ इस तरीके से, या फिर शॉप पे यहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं, ऐसे नहीं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से, यानी कि आपके 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे के बाद भी ये चीज़ चेक किया जाएगा। ये कुछ 5 चीज़ें हैं जिनको आपके चैनल पे इसके पूरा इसको देखा जाएगा, और उसके बाद जब वेरीफाई होगा तभी आप यहाँ पे डिसाइड होगा कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो इनमें सबसे पहला है कि आपका थीम क्या है, आपका टॉपिक क्या है, किस कैटेगरी का आपका चैनल है। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी जो है आप उसको यार बना के रखिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप ये वीडियो बना रहे हैं फिर कोई और वीडियोज़ बना रहे हैं फिर कोई और वीडियोज़ बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा कोई वीडियो एडिटिंग का काम करता है, राइट, कोई बंदा वीडियो की एडिटिंग का काम करता है, वो सीधा एडिटिंग को छोड़ के कुछ और वीडियोज़ वगैरह डालने लग जाए तो वहाँ पर वो केस गड़बड़ हो जाएगा। ये हुई पहली बात। बात करें यहाँ पर दूसरी चीज़, तो दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आपके चैनल पे मान के चलिए 50 वीडियोज़ हैं या 10 वीडियो हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वीडियो है वो कौन सी है, और जो पॉपुलर वीडियो है तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ भी, मतलब अब वो पॉपुलर वीडियो, क्योंकि कई बार क्या लोग करते हैं कि कोई भी वीडियो डाल के उसके बाद में उसको प्राइवेट और अनलिस्टिंग कर देते हैं, अनलिस्ट कर देते हैं, राइट। तो उस केस में अगर ऐसा कुछ केस मिलता है तो यहाँ पर वो चेक किया जाएगा कि भैया आपका जो कंटेंट है, आपके जो वीडियो है जिससे सबसे ज़्यादा व्यूज आए हैं, आखिर में क्यों आया है, क्या रहा है आपके उस वीडियो में, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ आप ऊटपटांग चीज़ें बता रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपके मोस्ट व्यूड वीडियो को जरूर देखा जाएगा कि भैया आपका जो भी, क्योंकि देखिए आपकी अगर कोई भी वीडियो अगर सबसे ज़्यादा चली है तो उसकी वजह से व्यूज़ भी ज़्यादा आए होंगे, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा आएंगे, वॉच टाइम भी उसी वीडियोज़ के जरिए ज़्यादा आया होगा, तो यहाँ पर उस वीडियो को जरूर देखा जाएगा। तो बात करें यहाँ पर तीसरी चीज़, वो ये है कि आपकी न्यूएस्ट, यानी कि जो आप करंट टाइम पे कुछ टाइम में, यानी मान के लिए एक दिन, दो दिन, चार दिन, पाँच दिन या एक महीने के अंदर आपने अभी सबसे लेटेस्ट वीडियो क्या डाला है आपने। फॉर एग्जांपल मान के लिए कोई अगर किसी ने चैनल बनाया था शुरुआत में, ठीक है यार मैं शुरुआत में ना ब्लॉगिंग करूँगा मैं,
अब पता चला उसको छोड़ के उसके बाद में ठीक है यार मैं अब टैग करूंगा, नहीं उसको छोड़ के यार अपना मैं स्टेटस वाली वीडियोस डालूंगा, नहीं यार इसको छोड़ते अब मैं कॉमेडी वाली वीडियोस डालूंगा, ऐसे तो ऐसे नहीं। यानी कि जो आपने शुरुआत में किया था आपको वही कंटेंट बना के रखना है, ऐसा नहीं कभी कुछ बना रहे कुछ कुछ बना रहे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये फाइंड हो पाएगा कि भैया कि जो पहले आप बना रहे थे क्या था और आप क्या बना रहे थे, आपका यहाँ पे डायरेक्शन पता चल पाएगा कि आप अपने चैनल को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, राइट। तो एक यहाँ पर बहुत सही चीज़ है यहाँ पे कि मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे चैनल का डायरेक्शन पता चलेगा, तो एक अच्छा अपडेट है यहाँ पर ये। और बात करें यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट तो दोस्तों, वो नेक्स्ट अपडेट ये है मेटा डेटा पॉलिसी। जी हाँ फ्रेंड, मेटा डेटा पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नाम आता है आपका, टाइटल आता है आपका, जो डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन डालते हैं, और उसके बाद में आपका जो थंबनेल, आप जो थंबनेल बनाते हो सबसे मेन चीज़ आपका थंबनेल, टाइटल, टैग्स, ये सारी चीज़ें। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने थंबनेल पर डाल दिया कुछ भी और उसके बाद में अंदर पता चला कुछ और है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखी जाए, टाइटल आपने कुछ भी बढ़िया से एकदम तड़क भड़क वाला ऐसा टाइटल डाल दिया और जब कोई यूज़र उसको जब आप देख रहे हो वीडियो को पता चल रहा कि वीडियो में आया तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो नहीं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत बहुत बारीकी से सब कुछ चेक किया जाएगा कि यार एग्जैक्टली क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि इन सारी चीज़ों पर बहुत ही फोकस किया जाएगा तब आपका चैनल कहीं मोनेटाइज होगा। बात करें यहाँ पे आखिरी और पांचवा, वो ये है सोर्स। सोर्स यानी कि आपके जो वीडियो का जो वॉच टाइम का सोर्स है, जो व्यूज है उसके, वो कहाँ से आ रहे हैं, ट्रैफिक ऑफ सोर्स क्या है, एडवर्ड्स है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, एनएक्सवाइजेड कहाँ से है। मेन थिंग यहाँ पर ये है कि आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना चाहिए, यानी ऑर्गेनिक व्यूज आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार आपके चैनल पर अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनिक, एटलीस्ट अभी यहाँ पर कोई नंबर नहीं बताया गया कि यार 1, 2, 3, 4 यानी कितने ऑर्गेनिक आने चाहिए, बट हाँ आने चाहिए कुछ भी आए। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि लाइक आप फेसबुक, व्हाट्सएप पे, इन सब जगह पे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनको शेयर नहीं कर सकते, शेयर कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर ये पांच ऐसी चीज़ें हैं जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वॉच टाइम के बाद भी इन सब चीज़ों को चेक किया जाएगा। उसके बाद में अगर आपकी सारी चीज़ें अगर आपके चैनल पे पाई जाती हैं बिल्कुल ओके रिपोर्ट, कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं, तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अदरवाइज फिर आपके चैनल को मोनेटाइज होने में बहुत मुश्किल होगी, तो इस बात का ध्यान रहे। तो अब यार यहाँ पे बहुत सारी केसेस बनते हैं, तो ये पांच यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट थे यूट्यूब की तरफ से, जो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बस फ्रेंड फिलहाल की वीडियो में इतना ही, आप मन की बात कमेंट बॉक्स में बताएं और बताएं कि सबसे सही और सबसे टफ कौन सा अपडेट इसमें से लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बस फ्रेंड अगर चैनल पे हैं नए तो चैनल को ले सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समझिए भाई।